कई लोगों को वॉल पुट्टी डो प्रिपेयर करने में काफ़ी सारे दिक्कतें होती हैं। कभी उनका डो स्टिकी हो जाता है तो कभी ड्राई, और जब परफेक्टली डो नहीं बनता है तो फिर उससे बनाए हुए आर्टवर्क्स में भी क्रैक्स आते हैं और बस फिर सारी मेहनत बेकार। और यार, जब हम अपने हाथों से कुछ बनाते हैं तो उसमें मटेरियल्स, एफर्ट और टाइम के साथ साथ हमारा प्यार और इमोशन भी जुड़ जाता है, और बस फिर कुछ कमी रह जाने के कारण जब आर्टवर्क ख़राब हो जाता है तो बड़ा बेकार लगता है। सो इन्हीं सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसका बेसिक हमें क्लियर हो। और बेसिक क्लियर करने के लिए पूरा वीडियो आपको देखना है ध्यान से और बिना स्किप किए, जिससे आपका कोई भी पॉइंट, इम्पॉर्टेंट टिप मिस ना हो। सो वॉल पुट्टी डो बनाने के लिए लेना है एक बाउल पे किसी भी ब्रांड की वॉल पुट्टी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लाइक JK, बिरला, और उस पर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून फेविकोल। फेविकोल ऐड करना ऑप्शनल है क्योंकि वॉल पुट्टी ऑलरेडी सीमेंट बेस्ड होती है और पानी के साथ ही प्रॉपर बाइंडिंग क्रिएट कर लेती है। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मिक्स करते जाना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है और मिक्स करते जाना है, क्योंकि पानी की क्वांटिटी ना हमें ज़्यादा चाहिए और ना कम चाहिए, बस इतना पानी चाहिए जितने में वॉल पुट्टी पाउडर जो है वो पूरी तरह से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले और इस तरह से कुछ मॉइस्चर्ड फॉर्म में आ जाए। मॉइस्चर्ड फॉर्म में आने तक चम्मच से मिक्स करना है, और जब इस तरह से हो जाएगा उसके बाद हाथों में ले लेना है, और हाथ में लेके फिर हम नीट करेंगे। बट हाथों में लेने से पहले प्रॉपरली हाथों को मॉइस्चराइज कर लेना है जिससे ड्राइनेस ना हो, और बस पूरे वॉल पुट्टी को इकट्ठा करके हाथों में ले लेना है और धीरे धीरे करके नीट करने की कोशिश करना है। थोड़ा बहुत एज अभी प्रॉपरली गीला नहीं है तो नीचे गिरेगा, बट इट्स ओके। पूरा धीरे धीरे करके नीट करते हुए समेटना है, पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि इसमें सफिशियंट पानी है। और ये देखिए कितना ड्राई था, और नीट करते करते स्टिकी हो गया है। सो अगर इस तरह से कुछ स्टिकी हो रहा है आपका डो, तो वॉल पुट्टी स्प्रिंकल करके वापस से नीट करना है। और इसी तरह से अगर आपको लग रहा है कि नीट करते करते आपके डो में क्रैक्स दिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको कुछ ड्रॉप पानी ऐड करना है और फिर नीट करना है। डो हमें ऐसा चाहिए कि जब डो को हम फोल्ड करें तो उसमें क्रैक्स ना आए, एक स्मूथ क्लियर लेयर रहे। सो जब प्रॉपरली डो नीड हो जाएगा तो एक बार हाथों को हम साफ़ कर लेंगे और फिर वापस से थोड़ा सा ऑयल हाथों पे लगा के और नीड करते जाएंगे। और बस थोड़ी सी मेहनत के बाद तैयार है हमारा परफेक्ट वॉल पुट्टी डो। सो चलिए इससे आप कुछ बना के ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉली शीट के ऊपर इस वॉल पुट्टी डो को रोल कर लिया है, और रोल करने के बाद पेपर पे होम का कटआउट लिया और उसको वॉल पुट्टी का जो रोल्ड डो है उसके ऊपर रख के शेप में कट कर ले रही हूँ। वॉल पुट्टी डो को आपको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करना है और प्रिपेयर करने के विदिन 2 आवर्स आपको इसको यूज़ कर लेना है, क्योंकि उसके बाद ये हार्ड होने लगता है और लेयर बाय लेयर ड्राई होने लगता है। सो इसलिए 2 आवर्स के अंदर ही इसको यूज़ कर लेना है। सो यहाँ पे मैंने साइड्स कट कर लिए हैं शेप में, और थोड़ा सा जो ये साइड्स कट करने के कारण रफ हो गए थे तो फिंगर्स पे हल्का सा पानी डिप कर करके एडजस्ट को स्मूथ कर ले रही हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से ड्राई होने देना है। अब वॉल पुट्टी से आप कोई भी आर्टवर्क बनाओ, आपको इसको डायरेक्ट सनलाइट में या एक्स्ट्रा हीट के कॉन्टैक्ट में ला के ड्राई नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, ऊपर की लेयर जल्दी ड्राई हो जाएगी और अंदर गीला रहेगा और उससे फिर क्रैक्स आते हैं आर्टवर्क में। अगर आपका वॉल पुट्टी डो परफेक्ट बनाना तो आप एकदम क्ले की तरह वॉल पुट्टी डो से भी काम कर सकते हो, जैसा कि वीडियो में भी समझ में आ रहा होगा कितना ईजिली और हैंडी होता है क्ले की तरह ही वॉल पुट्टी डो भी। बस ज़रूरी है कि आपका वॉल पुट्टी डो परफेक्ट बना हो। जितनी थिक लेयर पे आपने वॉल पुट्टी का काम किया है उतने अच्छे से आपको उसको ड्राइंग टाइम भी देना है, उसके बाद कलरिंग स्टार्ट करना है। वॉल पुट्टी डो का यूज़ आप किसी भी तरह के आर्ट फॉर्म या किसी भी तरह के आर्टवर्क को बनाने में कर सकते हो, चाहे किसी भी तरह की वॉल हैंगिंग हो, मिक्स्ड मीडिया आर्ट हो या लिपन आर्ट ही क्यों ना हो। अगर आपका वॉल पुट्टी डो परफेक्ट बना है तो उससे बहुत ही इवन आप लिपन आर्ट के लिए कॉयल्स भी बना सकते हो और उसमें क्रैक्स भी नहीं आते। सो एक बार
बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और वॉल पुट्टी डो से बने हुए काफ़ी सारे आर्टवर्क्स के डिटेल्ड में वीडियोस मैंने चैनल पे शेयर किया है, सो आप उनको भी चेक कर सकते हो। कुछ वीडियोस की लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे शेयर कर रही हूँ। और यहाँ तैयार हो गया हमारा छोटू सा सिंपल सा वॉल पुट्टी डो से बनाया हुआ आर्टवर्क, या वॉल हैंगिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसे और कार हैंगिंग की तरह भी। सो कैसा लगा वीडियो? आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा हो। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए DIY ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।